देखो दोस्तों, आज तक मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन और लोगों के भरे हैं, पर मैंने अपना नहीं भरा है। बट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2024 में यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भर सकते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे दो टैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सिंगापुर टैक्स और एक यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन। यानी कि 2023 में अलग तरह की स्कीम आती थी, अब 2024 में अलग तरीके की आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि सही तरीका क्या है, कैसे आपको अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर के अप्रूव कराना है। अगर आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन डिस अप्रूव हो जाता है तो ऐसे में आपके गूगल एड्स ऑफ हो जाते हैं, यानी कि आपके यूट्यूब चैनल पे जो एड्स आ रही होंगी, जो मोनेटाइजेशन होगा, वो ऑफ कर दिया जाता है जब तक आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते। बिना टैक्स इन्फॉर्मेशन के आप अपनी पेमेंट भी नहीं निकाल पाते। इसी वजह से टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना काफ़ी जरूरी है और ये रूल और रेगुलेशन है जो कि टैक्स डिपार्टमेंट का है। तो इसी वजह से इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरते हैं, सही तरीका क्या है 2024 में। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई क्या जाएगा अगर आप वीडियोस को लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे? एक सब्सक्राइबर से आपको कुछ भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए वेरिफिकेशन चेक ऐप, देखिए कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है या नहीं। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, सबसे पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन भरते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट से होता है और जब आपका वेरीफाइड हो जाएगा तब आपको सही पता चल जाएगा कि अब मुझे टैक्स इन्फॉर्मेशन किस नाम से भरना है। क्योंकि टैक्स इन्फॉर्मेशन किसी के नाम से भी अगर आप भरते हो स्टार्टिंग में तो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, बट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केस में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का वेरीफाइड करना पड़ेगा। जब ये वेरीफाइड हो जाए, यानी कि ऊपर वाला, नीचे वाला हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तब आपको एडसेंस फॉर यूट्यूब पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो आपको दिखेगा। कई बार लोग बाग इसको डिसमिस कर देते हैं तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पेमेंट इन्फो में जाना पड़ता है और यहाँ पे आपको मिलेगा एड टैक्स इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, फिर दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे पेमेंट इन्फो में दोबारा जाना है और यहाँ पे मैनेज सेटिंग में जाना है। उसके बाद नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, इसके इस पर क्लिक करना है और मैनेज टैक्स पे क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ से क्लिक कर रहे हो या फिर यहाँ से क्लिक कर रहे हो, दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ से क्लिक करने वाले हैं मैनेज टैक्स इन्फो से। फिर यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो, अभी हम सिंगापुर टैक्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। अभी हम यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐड टैक्स इन्फो पे मैं क्लिक करूंगा और स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगा। इसने कहा है कि जब भी आप इसको भरोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपको फॉर्म जो है ना बिल्कुल फिनिश करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है यूएस टैक्स इन्फो है, खुर्शीदा फातिमा मेरी वाइफ है। तो यहाँ पे देख सकते हो वाइफ, व्हाट टाइप ऑफ द अकाउंट इज खुर्शीदा फातिमा, इंडिविजुअल है, बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं है। आर यू सिटीजन रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, नो, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऊपर की तरफ करता हूं तो यहां पे लिखा है कि सेलेक्ट WA टैक्स फॉर्म टाइप। ये कह रहा है कि आप नॉन यूएस इंडिविजुअल हो, यस, हम बिजनेस में नहीं है, नॉन, तो यहां पे W8BN आएगा। स्टार्ट W8BN फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बोल रहा है टैक्स आइडेंटिटी, तो ये बोल रहा है खुर्शीदा फातिमा के, यस, यहां पे कंट्री है, आई लव माई इंडिया, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फॉरेन टी डालना है, काफी सारे लोग नहीं डालते तो आपको डालना जरूरी है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे क्लिक करना तो आ जाएगा। उसके बाद परमानेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे, ये आ चुका है। उसके बाद ऊपर की तरफ क्लिक करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद बोला टैक्स टेरिटरी, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टेरिटरी पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ करना है, यहाँ पे है सर्विस सच, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे और आर्टिकल और पैराग्राफ पे ये वाला सेलेक्ट करना है, आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1, और यहाँ पे होल्डिंग पे 0 करना है, इस पे क्लिक कर देना है। फिर ऊपर की तरफ करना है, फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके आर्टिकल 12 वाला और यहाँ पे 15%, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ करता हूँ तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। ये 12% है या 15, ये दोनों सेम आते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन यूएस, क्या आप जो है ना एज ए इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आज सर्टिफाई पे क्लिक करना है, क्योंकि हम कोई सर्विस यूएस में नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऊपर की तरफ कर देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेपर गो, यहाँ पे गो पेपरलेस पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन टैक्स डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर करना है, 7 नंबर आ चुका है, तो टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन है, तो यहाँ पे अंडर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ऊपर करना है बस, ये अनचेंज स्टेटस एफिडेविट, इस पर कोई क्लिक नहीं करना। अब ऊपर की तरफ जाओगे तो यस पे क्लिक करके, और ये खुर्शीदा फातिमा ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका नाम खुद आ जाएगा, और सबमिट पे क्लिक कर दी। तो मेरे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है अप्रूव हो चुका है, सारे क्लेम हो चुका है 0-15-15, और यहाँ पे ये एड्रेस है। अगर हम ईमेल में जाते हैं तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पे आपको जरूर से मिलेगा टैक्स अप्रूव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी अभी 0 मिनट पहले ही योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव, यानी कि इस तरह से आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कई बार टैक्स इन्फॉर्मेशन पेंडिंग में आता है, कई बार एरर में आता है। अगर पेंडिंग एरर आता है तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप हमें कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा, बाय बाय, जय हिंद।